एक गांव में राजू और मुन्ना नाम के दो लड़के रहते थे। अरे मुन्ना, तुम क्या रोज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते रहते हो? किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे दोस्त, तुम क्या जानो लड़कियां क्या होती हैं? कितना मजा आता है छेड़ने में। अरे भाई, मुझे ये मजा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ से लड़की गुजरती है और मुन्ना उसे भी छेड़ने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? हम भी खड़े हैं राहों में, हमें भी साथ ले लो। अरे तेरे घर माँ बहन नहीं है? जब देखो आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है। मैडम, माँ और बहन तो है, बस आप नहीं हो। अभी ठहर, तुझे बताती हूँ, आज तेरे दो हाथ लगा ही देती हूँ। ठहर जा, तेरा नास मिटे तेरी अच्छी सी पिटाई होगी, तभी तू सुधरेगा। अबे बोला था ना पिटेगा, अब भाग। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते गांव के बाहर नदी के पास पहुँचते हैं। अबे रुक जा, थक गया हूँ। हाँ यार, मैं भी। रुक, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पीपल का पेड़ है, वहाँ मत करना। दादाजी कहते थे कि किसी किसी पेड़ पे चुड़ैल का साया होता है। अबे यार, पेड़ पे चुड़ैल? अबे तेरे दादाजी भी बहुत अंधविश्वासी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और सुंदर हुई तो अपनी तो लॉटरी निकल जाएगी। यार तुझसे तो बात करना बेकार है। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, नहीं करूंगा वहाँ टॉयलेट। ऐसा कह के मुन्ना चला जाता है। ये राजू तो बहुत अंधविश्वासी है, पेड़ के नीचे टॉयलेट करने से चुड़ैल आती है। अब तो टॉयलेट करूंगा, फिर बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कह के मुन्ना टॉयलेट करने लगता है और ऊपर से एक चुड़ैल झांकने लगती है और सोचती है, क्या शिकार आया है, बड़ा ही सुंदर और ताकतवर लड़का है, इसके शरीर में घुस जाती हूँ। देखा, टॉयलेट भी हो गया और कोई आया भी नहीं। तभी वह पलटता है और उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। अरे आप कौन हैं और मेरे पीछे क्यों खड़ी हैं? मुझे तुम बहुत अच्छे लगे राजा, मुझे भी साथ ले चलो अपने। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, ऐसे कैसे ले चलूं? तुम यहाँ से नहीं जा सकते मेरे बगैर, और साथ तो मैं जाऊंगी ही, सीधी तरह नहीं तो जबरदस्ती ही सही। ऐसा कहते वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। बाप रे, ये तो चुड़ैल है, कमबख्त मारा राजू सही कह रहा था, अब क्या करूं? ऐसा कह के वो वहाँ से भागता है, परंतु चुड़ैल उसे रास्ते में ही रोक लेती है। डार्लिंग, मैं तो साथ ही जाऊंगी, पर लगता है मुझे तुम्हारे साथ टेढ़ा ही होना पड़ेगा, तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। ऐसा कह के वो चुड़ैल मुन्ना के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद राजू मुन्ना को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है। अबे क्या टंकी खाली कर रहा था, इतना टाइम लगा दिया, अबे भाई बोलेगा कुछ या नहीं? वहीं चुड़ैल सोचती है, क्या सुंदर लड़का है, और ऐसा सोच के वो राजू को छूने की कोशिश करती है। हट यार, क्या मजाक कर रहा है, चल अब रात हो रही है। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना, अबे कहाँ है यार, अबे ये लड़कियों के कपड़े में क्यों आया है, शहर के सारे लड़के पीछे पड़ जाएंगे। आज तो मैं ऐसे ही घूमूंगा, तुझे आना है तो आ जा, नहीं तो मैं अकेला चला। ठीक है भाई, चलो। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और मुन्ना रूपी चुड़ैल उसे देखकर छेड़ते हुए बोलती है, अरे राजा क्या मस्त लग रहे हो, हमें भी साथ में ले लो। अबे पागल है क्या, जो आदमी होकर
आदमियों को ही छेड़ रहा है, पहले लड़कियों को छेड़ता था, अब लड़कों को भी। ज्यादा मजाक किया तो यहीं पिटेगा। अबे आदमी होगा तू, मैं तो औरत हूँ। अरे भाई साहब, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा ना मानो। इसको समझा लो, नहीं तो इसके दांत तोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मैं इसको समझा दूंगा। अरे मुन्ना, ये क्या है, अब तू औरतों के साथ मर्दों को भी छेड़ने लगा। कहाँ छेड़ा डार्लिंग, मजाक करना भी पाप है क्या? तूने तो सारा मूड खराब कर दिया, चल अब घर चलें। ऐसा कह के राजू और मुन्ना घर के तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ से राजू के बड़े भाई गुजरते हैं। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते राजू। अरे क्या माल है राजू, बात तो करा दे, अकेले में मिलवा दे यार। अबे मुन्ना पागल है क्या, लगता है मार खाएगा। डार्लिंग आपके हाथ से तो हम जहर भी खा ले, मार क्या चीज है। अरे भाई आप जाओ, ये पागल हो गया है, इसको घर छोड़ के आता हूँ। अरे आजा न राजा, साथ में चलें। अभी चल यार, भाई है वो मेरा, क्या मजाक कर रहा है। दोनों मुन्ना के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजू की निगाह मुन्ना के पैरों की तरफ पड़ती है। वो देखता है इसके पांव तो टेढ़े हैं, जैसे उसके दादाजी ने बताया था। मुन्ना तू यहाँ से घर चला जा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ऐसा कह के राजू वहाँ से चला जाता है और जाके सारी बात अपने दादाजी को बताता है। राजू मुझे लगता है मुन्ना पर कोई चुड़ैल का साया है, तुम रात में उसके कमरे की खिड़की से झांक के देखना। ठीक है दादाजी। राजू रात में मुन्ना के घर जाता है, मुन्ना के कमरे की खिड़की से झांकता है। वहां पे चुड़ैल मुन्ना को डरा रही होती है। मुझे तेरा शरीर बहुत अच्छा लगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, और तू तो औरतों को भी बहुत छेड़ता था, इसलिए कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। तू तो मेरा गुलाम है, अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। दादाजी ठीक कह रहे थे, चलो दादाजी से ही बात करता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे, नहीं तो मुन्ना मर जाएगा। राजू ऐसा सोच रहा होता है, तभी चुड़ैल राजू को देख लेती है। मुन्ना के अंदर चुड़ैल आ जाती है और वो राजू की तरफ भागती है। अरे यार ये तो मेरे पीछे पड़ गई, भागो नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। राजू तेजी से अपने घर की तरफ भागता है, चुड़ैल उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। दादाजी मुन्ना के अंदर चुड़ैल है, ये मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रही है। घबराओ मत राजू, अभी हम जिंदा हैं। अरे दादाजी फिल्मी डायलॉग मत मारो, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। राजू घर के अंदर से गंगा जल ला। ठीक है दादाजी। तभी वहां पे चुड़ैल आ जाती है। हट बुढ़े सामने से, मुझे वो लड़का चाहिए। तभी राजू गंगा जल ले आता है। ये लो दादाजी गंगा जल। अबे मुझे क्या दे रहा है, मुझे पीना है क्या, चुड़ैल के ऊपर डाल। सॉरी दादाजी मैं डालता हूँ। ऐसा कहकर राजू चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है और दादाजी भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। दादाजी लगता है चुड़ैल का साया मुन्ना से हट रहा है, उसके पैर सीधे हो रहे हैं। एक मिनट में वो पूरा सीधा हो जाएगा, बजरंग बली तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल तड़पने लगती है। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल भी जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। फिर इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और एक बार फिर से अच्छाई की
जीत होती है।